आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं अपने जीपीएस ट्रैकर प्रोडक्ट को कैसे अनबॉक्स करेंगे। ये मेरे पास जीपीएस ट्रैकर प्रोडक्ट है जो हम आपके लिए लाए हैं। इस प्रोडक्ट के द्वारा आप अपने नियर एंड डियर वंस को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आपके पास में हमेशा नज़र रहेगी कौन कहाँ पर है। आप अपने परिवार के लोगों को पता लगा सकते हैं कि आपका बेटा, आपकी बहन, आपका भाई इस समय कहाँ पर है। ये आप बहुत सेफ है। आप छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन्स किसी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लेके चलते हैं। उससे बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत छोटी सी घड़ी जो आपको हर समय हर पल ये बताती रहेगी कि आपके प्यारे लोग कहाँ पर हैं, और आप उनको इतनी आसानी से देख सकते हैं, इतनी आसानी से उनका पता लगा सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे। ये मेरे पास बॉक्स है, ये मेरी स्मार्ट वॉच का बॉक्सिंग है। इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है आप लोकेशन अलर्ट्स ले सकते हैं। सिर्फ एक बटन से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन है, और आपको ये भी पता लग जाएगा यदि कहीं किसी बुरी वक्त में कोई मुसीबत आ जाती है तो आपका बच्चा, आपकी बहन, आपका भाई सिर्फ एक बटन दबा के आपके पास में नोटिफिकेशन दे सकता है। ये हमारा प्रोडक्ट है। इस डिब्बे के अंदर आपको एक ये वॉच मिल रही है। इस वॉच के साथ में नीचे ये आपका एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर सेट है जिसके थ्रू आप अपने इस वॉच को ओपन करेंगे और इसके अंदर सिम कार्ड लगाएंगे। ये इसकी मोबाइल चार्जिंग केबल, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ में एक यूएसबी डेटा केबल यूज करते हैं। तो कोई एक अलग से आपको केबल नहीं यूज करनी है, कोई अलग चार्जर नहीं खरीदना है। आप अपने बेसिक मोबाइल फोन के चार्जर से ही इसको चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, और ये साथ में इसका यूजर मैनुअल कि हमारे इस प्रोडक्ट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे आप इसकी एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे, कैसे आप अपने आईफोन में या आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर में इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हमने इस डॉक्यूमेंटेशन में दे रखी है। आप इसको कभी भी आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने इस फोन में कैसे सिम कार्ड इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में मैंने प्रोडक्ट अपनी वॉच निकाल ली है। ये स्क्रू ड्राइवर, बटन 1, बटन 2। बटन 1 के थ्रू आप यदि चाहें तो इस घड़ी को और दूसरे दोस्तों के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। आपको कभी अगर अपने किसी मित्र के साथ में संपर्क करना, आप खाली उसकी लोकेशन जानना चाहते हैं, ऐसा फीचर जैसा कि आपने एप्पल की डिवाइसेस में फाइंड माई फ्रेंड या फाइंड माई फोन करके आपने ढूंढा होगा, तो ये फीचर में आप अपने 4 या 5 दोस्तों के नंबर सेव कर सकते हैं और उनके थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। बटन 2 में आप अपने यदि प्रथम वरीयता वाले लोगों को नहीं कॉल हो पा रही है या उनका संपर्क नहीं हो रहा है तो ये 2 नंबर का बटन दबाने से आप उनके साथ में संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पावर बटन है, इसके थ्रू हम वॉच को ऑन करेंगे। और ये देखिए, ये है सेव अवर सोल्स, मतलब आपातकाल की स्थिति में आप ये बटन दबा के, बस इस बटन को आपको 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है, और जो भी नंबर आपने अपनी ऐप के अंदर में, चाहे वो आईफोन पे आपने डाली हो, आईपैड पे डाली हो, या फिर आपने उस ऐप को अपने एंड्रॉयड फोन में डाल रखा हो, एक बेसिक एंड्रॉयड फोन होगा उसके ऊपर भी काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इसके पास इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास में कोई महंगा 20-25 हज़ार रुपए वाला फोन हो। आपके पास में अगर 3 हज़ार रुपए का एक बेसिक एंड्रॉयड फोन भी है तो उसके साथ में भी आप इस डिवाइस को लिंक कर सकते हैं। ये है देखिए मेरा इसमें चार्जिंग पॉइंट। मैं इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे निकालूंगा, और ये रही केबल, जैसे आप अपना साधारण मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं बस उसी तरह से इस केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, और ये आप अपना कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं, या आप अपने पावर बैंक में अटैच कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी बेसिक मोबाइल फोन के चार्जर में इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप अपना सिम कार्ड कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ये वॉच सिर्फ आपका डिस्ट्रेस अलार्म ही नहीं है, ये वॉच इसके साथ साथ सिर्फ आपकी लोकेशन की जानकारी ही नहीं देती, लोकेशन की जानकारी के अलावा ये वॉच आपको साथ में आपकी हार्ट बीट और आपके आपने कितने कदम चले, आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, आप कितने घंटे सोए, आपकी स्लीप को ट्रैक करना, आपकी लोकेशन को ट्रैक करना, आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग करना, आप इसके थ्रू वो भी काम कर सकते हैं। मतलब आपको एक ऐसा साथी मिल रहा है जो हमेशा आपको अपने निकटतम लोगों से जोड़ के रखेगा और साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने में भी मदद करेगा। मेरे पास ये एक बेसिक सी सिम कार्ड है, ये एक बेसिक सिम है। मैं इस बेसिक सिम को अंदर इस फोन में इस छोटी सी डिवाइस के अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। कैसे इंस्टॉल करना है आइए देखते हैं। ये मैंने इस वॉच को खोला, अब आप देख सकते हैं इसके पीछे में आपको एक ये QR कोड दे रखा है और ये IEMI नंबर दे रखा है। ये IEMI नंबर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपके मोबाइल के अंदर सिम कार्ड पे काम किया जाता है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, ये चार छोटे छोटे बटन्स हैं, चार छोटे छोटे स्क्रूज लगे हुए हैं जिसके लिए हमने आपको ये स्क्रू ड्राइवर साथ में प्रोवाइड किया हुआ है। तो ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। ये मैंने पहला बटन स्क्रू खोला, ऐसे ही मैं अपना ये दूसरा स्क्रू खोलूंगा और इसी तरह से ये तीसरा और फिर चौथा स्क्रू। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इस घड़ी का ढक्कन हटा लिया है। ढक्कन हटाने के बाद इसके अंदर से बैटरी निकालना भी बहुत आसान है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये प्लास्टिक की छोटी सी पन्नी दिखाई पड़ रही है, एक छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है। बस इसको पकड़ के ऐसे बाहर खींच लीजिए। जैसे ही आप इसे बाहर खींचेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको इसके अंदर एक वैसा ही सिम कार्ड का स्लॉट दिखाई पड़ रहा है जैसा आपका साधारण फोन्स के अंदर होता है। बस इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये सिम कार्ड स्लॉट को थोड़ा सा पीछे धक्का दीजिए, ये खुल गया। अब इसके अंदर मैं अपनी ये सिम ऐड करूंगा। ये मैंने इसमें अपनी सिम रख दी स्लॉट के ऊपर और सिम रखने के बाद बस ये ढक्कन को बंद कर दीजिए और ये लॉक लगा दीजिए, हो गया काम। वापस से बैटरी को इस तरह से यहाँ पे रखा और इसके ऊपर हमने फिर से इस ढक्कन को बंद कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने स्क्रू खोले थे उसी तरह से मैं स्क्रूज वापस से, देखिए ध्यान से देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ये देखिए ये मैंने इसको जूम कर लिया ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। ये रहा मेरा एक स्क्रू, ये मैंने इसके ऊपर स्क्रू रखा और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको तीर से इस छेद के ऊपर फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बस यही प्रक्रिया हम अपने बाकी तीनों स्क्रूज के साथ में भी पूरी करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये देखिए मैंने चारों स्क्रूज को इसमें टाइट कर दिया है। ठीक है, ये चारों स्क्रूज आप बस एक ध्यान रख लें, आपको टाइट करने हैं, जरूरत से ज्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं ये स्क्रू आपका स्लिप करने लगेगा और फिर आप इस डिवाइस को दोबारा खोल नहीं पाएंगे। वैसे तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये डिवाइस में एक बार सिम कार्ड डालना है, उसके बाद इसे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये पावर बटन है, मैं इस पावर बटन को प्रेस करूंगा और डिवाइस को ऑन करूंगा। ये देखिए डिवाइस ऑन हो गई है। बस इस डिवाइस को चालू करने से पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसमें जो सिम कार्ड डाला है उस सिम के ऊपर में डेटा सर्विसेज या डेटा पैक चालू होना चाहिए।
यदि सिम के अंदर में डेटा पैक चालू नहीं है तो फिर ये सिम आपकी कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगी, भले ही आप GPRS कनेक्शन लें। आपके पास में एक 2G सिम है, 2G सिम भी इसके साथ में काम करेगी। 3G सिम 4G सिम की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई पुराना सिम कार्ड पड़ा हुआ है, कोई पुराना नंबर ऐसा जिसे अब आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने उस नंबर को कचरे में डाल दिया था, या जियो फोन जियो नंबर लेने के बाद में आपने उस नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, तो अब आप इस सिम को उस सिम को जिसे आपने बेकार कर दिया था आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसके फीचर्स दिखाऊंगा। ये मेरा फोन है जिस फोन के साथ में मैंने इस ऐप को लिंक कर रखा है। इस डिवाइस को आप अपने एंड्रॉयड फोन में या फिर आप अपने एप्पल फोन में आईपैड में किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास में इसकी जो ऐप है, ऐप का नाम है एसी ट्रैकर चिल्ड्रन गार्जियन एंगल। आपको क्या करना है, जब आप पहली बार ये वॉच इस्तेमाल करेंगे तो पहली बार वॉच इस्तेमाल करते समय आपको ये सिम इंस्टॉल करनी है। सिम इंस्टॉल करने के बाद इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यह है कि आपका जो QR कोड दे रखा है, आपको ये QR कोड अपनी वॉच पे स्कैन करना है। मैंने अभी इसको यहाँ लिंक किया हुआ है अपने फोन के साथ में, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये मेरी लोकेशन शो कर रहा है सेक्टर 26, ठीक है। आपको मेरी लोकेशन यहाँ पे अभी क्लियरली विजुअलाइज हो रही है। और आप यहाँ पे देखिए इसमें और भी फीचर्स जो अवेलेबल हैं, जैसे ये हेल्थ। अब इस हेल्थ फीचर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने कितने कदम चला आज की तारीख में, आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितना टाइम आपने सोने में स्पेंड किया, जो हेल्दी क्वालिटी टाइम हमको जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो आप वो भी इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो एक एक्स्ट्रा फीचर है। दूसरी चीज, जैसे मेरे पास में अगर डिवाइस कभी किसी तारीख आपने घड़ी अपने बच्चे को दी, अपने परिवार में किसी को दी, अपने किसी दोस्त को दी और आप चाहते हो कि वो इसको मॉनिटर करे, तो जब भी कभी वो घड़ी हाथ से अपने उतारता है या वो कभी कोई SOS बटन दबाता है तो अपने आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगी। इसकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में जाके जैसे मैंने सेट किया कि मेरा SOS नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे अपना SOS नंबर इसमें सेव कर सकता हूँ। फिर मैंने मॉनिटरिंग बोली तो हाँ भाई ठीक है, ये मॉनिटरिंग है, कौन सा नंबर इसको मॉनिटर करेगा, ये आपने उस फोन का नंबर दे दिया जिसमें आपने ऐप डाली हुई है। अब आपने बोला ठीक है कितने मीटर की डिस्टेंस पे इसे ट्रैक करना है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस या फिर पावर सेव मोड नॉर्मल मोड आप जनरली यूज कर सकते हो। SMS अलर्ट्स आपके पास हैं, आपको कौन कौन से SMS अलर्ट चाहिए कि जैसे ही कभी कोई जबरदस्ती या किसी ने छीन ली है घड़ी हाथ से ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर पाए, तो जैसे ही आपके चाहने वालों के पास से कोई ये घड़ी को हटाएगा इमीडिएटली आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप डिवाइस रिमूव्ड, या फिर कोई अगर ये बटन दबाता है जिसको हम कहते हैं SOS, तो SOS बटन दबाते ही मुझे बस इस SOS बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और होल्ड करने के बाद इमीडिएटली मेरे पास में कॉल आनी चाहिए इस नंबर पे। लेकिन ये चीज़ तभी फीजिबल होगी, ये चीज़ तभी आपकी चालू होगी जब आपने जो सिम इसके अंदर ऐड किया हुआ है उस सिम के ऊपर में आपने डेटा कनेक्शन चालू करके रखा है। अगर डेटा कनेक्शन आपने नहीं चालू किया हुआ है तो फिर ये नोटिफिकेशन जाने में थोड़ी सी समय लग सकता है। जैसा कि अभी आप देखिए मेरी घड़ी के ऊपर मैंने SOS किया हुआ है और ये SOS कॉल मेरे नंबर के ऊपर में आ रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये SOS नंबर से कॉल आने लगी। यहाँ घड़ी पे मैंने SOS बटन दबाया और SOS बटन दबाते ही इमीडिएटली मेरे फोन के ऊपर में ये कॉल आ गया। तो मुझे पता है कि मेरे परिवार का कोई जिसके पास में घड़ी मैंने दे रखी है उस वो कहीं किसी मुसीबत में है और मैं इमीडिएटली पता लगा सकता हूँ कि वो इस समय किस जगह पर है, ठीक है। अब मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि वो कहाँ पर है जिनका कॉल आया है, मुझे वापस अपने एप्लीकेशन में जाना है और ये आप देखें यहाँ पे ये है लोकेट। मैं इस लोकेट बटन को दबाऊंगा और लोकेट बटन टच करते ही मेरे पास उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये मुझे पिन करके बता रहा है कि हाँ भाई इस समय डिवाइस आपकी किस जगह पर है और आप उस डिवाइस को चाहे तो सैटेलाइट के ऊपर में भी चेक कर सकते हैं। सैटेलाइट में एग्जैक्ट उस जगह का मैप आपको मिल जाएगा जिस जगह पे आपकी डिवाइस है अभी।
और देखिए, जैसे अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे फ़ोन में इस डिवाइस के अंदर में मैंने 4 नंबर सेट किए हुए हैं। अगर एक नंबर पे कॉल नहीं पिक होती है तो ये डिवाइस अपने आप दूसरे नंबर पे स्विच हो जाएगी और उस नंबर से कॉल प्लेस हो जाएगी। अगर दूसरे पे भी कॉल नहीं पिकअप होती है तो ये अपने आप तीसरे नंबर पे चली जाएगी। तीसरे पे भी नहीं कॉल पिक हुई तो चौथे नंबर। आप 4, 5, 6, 7, 8 नंबर सेट कर सकते हैं इसमें SOS कॉलिंग के लिए। तो अगर पहला नंबर नहीं पिक होता है अपने आप दूसरे नंबर पे कॉल करेगा, दूसरा नहीं पिक होता है अपने आप तीसरे नंबर पे कॉल करेगा। तो दोस्तों